ओवरऑल आप देखेंगे तो वहां कोई ऑपोजिशन नहीं है, लोगों से कोई ऑपोजिशन नहीं है, बस ये जो तो नेता लोग हैं वो इरेलेवेंट होते जा रहे हैं, पर और कुछ नहीं होता। तो आज के जो मीटिंग है उसमें से मैं ये नतीजा निकालता हूं कि हर एक पार्टी अपना अस्तित्व बचाने का कोशिश वहां किया है, तो हर पार्टी ने स्टेटहुड को डिमांड किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मना नहीं किया है, वो ये कहा है कि आम वक्त पर हम जरूर स्टेटहुड देंगे आपको, मगर अब जो है डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन होने के बाद इलेक्शन होंगे, आप पार्टिसिपेट करो, इलेक्शन होने के बाद सरकार चलाएंगे, फिर देखेंगे सब शांति है, सब ठीक ठाक है, तो फिर स्टेटहुड भी हम रिस्टोर करेंगे, ऐसे उनका कहना था। फिर गुलाम नबी आजाद साहब ये उनका ये सोच था कि पहले स्टेटहुड रिस्टोर करो बाद में इलेक्शन करो, वो उनका सोच था, मगर सरकार ने उसके ऊपर कुछ रेस्पॉन्स नहीं किया है। तो मोदी साहब ने बस सुना था पर कुछ उसके बारे में कुछ बोला नहीं है, ये उमर अब्दुल्ला का खुद का बयान है। तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लियर है, जो उनका चलने का रास्ता है वहां से भटकने वाली नहीं है, पहले डिलिमिटेशन करेगी, जब डिलिमिटेशन करेगी जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आर्टिफिशियली शेख अब्दुल्ला के टाइम पे क्रिएट किया गया है उसको, उस फासले को कम करेंगे, मोर और लेस दोनों एक ही दर्जे पे आएंगे, और कश्मीर में जितने भी पार्टीज जीत के आएंगे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी के महबूबा मुफ्ती हो, वो तो अकेले सरकार नहीं बना पाएंगे, जम्मू के जो भी पार्टी जीत के आएगी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हिंदू पार्टी हो, उनके साथ मिलके ही वो सरकार बना सकते हैं, ऐसा माहौल आने वाला है जो डिलिमिटेशन के बाद। और डिलिमिटेशन में शेख अब्दुल्ला ने यह भी किया था कि बहुत से इलाके जो उनके खिलाफ थे उनको, जिन इलाके उनके सपोर्टर्स थे उनसे उनमें मिला दिया है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, गुरेज वैली, गुरेज सेक्टर के लोग हिंदुस्तान चाहते हैं, वो लोग देशभक्त है, पैट्रियॉट है, और हमने जिक्र किया था लास्ट टाइम, शीना बोलने वाले लोग हैं और दर्दी दर्दी लोग है वो लोग, उनको बांडीपुरा में मिला दिया। बांडीपुरा में सेपरेटिज्म बहुत चला था, वहां आतंकवाद बहुत चला था पहले, अब तो बहुत कम हो गया, साउथ कश्मीर में अब चला गया, मगर नॉर्थ कश्मीर में जब मिलिटेंट बांडीपुरा में उसको मिला दिया, तो गुरेज के लोग जिसको वोट देंगे वो जीतेंगे नहीं, कभी नहीं जीतेंगे, उनके आवाज कोई सुनते नहीं थे श्रीनगर में, आज तक श्रीनगर यूनिवर्सिटी या श्रीनगर के एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक बंदा जो शीना भाषा बोल सकता है वो नहीं है, वहां शीना का नहीं है, श्रीनगर के जो यूनिवर्सिटी है उसमें होना चाहिए ना, वो आपका स्टेट का अपना भाषा था, मगर क्यों नहीं किया। और आप देखिए इस जो बाल्टी है, बाल्टी भाषा का आप बेंच क्यों नहीं रखा, बाकी छोड़िए आपको लेकिन जम्मू पंजाब यूनिवर्सिटी ने बाकी शुरू कर हिंदुस्तान। दिया है, जम्मू यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दिया है हाँ शीना भाषा। अभी किया है, मैं ये कह रहा हूं कि जब कर ये गुपकर गैंग सरकार चला रहे थे उस वक्त तक ये क्यों नहीं किया, मैं ये पूछ रहा हूं, जब गुपकर गैंग हटी हुई है, खामोश थे, जब इसकी क्या वजह है? आप क्या देख कैसे देखते हैं? खामोश फारूक अब्दुल्ला तो खामोश थे। हाँ जी फारूक अब्दुल्ला तो वो जब 90 के दशक में जब यहां दंगे हो रहे थे, कश्मीर पंडितों को निकाल दे रहे थे, ये लंदन गया, वहां गोल्फ खेलने चला गया, फिर आपने देखा है उसके वीडियोस, डिस्को डिस्को ये करते हुए बहुत देख, ये लोग जो है बस मतलब अब अपना सोचते हैं, अपना देखते हैं, जैसे आप आपके जो जमींदार हैं पाकिस्तान में ऐसे ये भी है, ये इन इनको हटाने का वक्त मेरा आ गया है, पाकिस्तान नहीं है जैसे भाई। हिंद हाँ मेरा पाकिस्तान नहीं नहीं है, बा, मेरा इंडिया है, बा, वो पाकिस्तान कहें। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं ये सही कह रहा कह हूं रहे हैं। कि जो आप पाकिस्तान क्या भी हमारा ये समझे, ये जो दिल्ली की हिंदुस्तान बैठक में हमारा हुई है इसके बाद जो जैसे मोदी जी ने फरमाया कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी जो है उसको खत्म करने का समय आ गया, तो ये अब मुझे तो ये लगता है कि ये दूरी अब काफी हद तक सिमट गई है। आप कैसे देखते हैं?
बिल्कुल, अभी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू करने का वक्त आ गया है, यही उसका मैसेज है। अभी अब तक जो था कि वहां की सिचुएशन कंट्रोल करने का था, आर्टिकल 370 हटने के बाद बड़े पैमाने कोई जंग हो गया, मतलब इंटरनल सिविल अनरेस्ट हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसको कंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए पहले जी बिल्कुल उनका फर्स्ट प्रायोरिटी वो था, तो वो जब खत्म हो गई जी, ये, तो अब जो है पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने का। पॉलिटिकल प्रोसेस में तो पॉलिटिकल आप प्रोसेस देखा शुरू है हो गया बंगाल है। में अब कैसा हुआ। आप समझते हैं कि ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ये इस दौरान डिलिमिटेशन हो जाएगी और अगले साल मार्च के आगे पीछे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाएंगे। आप ऐसा देखते हैं आप होते हुए? बिल्कुल, विंटर खत्म होने के बाद वो हो जाएंगे, मगर कोरोना वायरस का भी सिचुएशन देखना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर एक जो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हिंदुस्तान में बाकी स्टेट्स जितने भी है उनमें से ये कोरोना वायरस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका मैनेजमेंट है, उसका बहुत अच्छा काम जो किसी स्टेट ने किया है वो जम्मू कश्मीर है, जो मनोज सिन्हा साहब देखिए, के सोलह अंडर उनके सोलह जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन बने है। हैं सिर्फ कोरोना वायरस के पेशेंट्स को डील करने के लिए। जम्मू कश्मीर में 16 नए अस्पताल बने, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने, और जब मैं इसलिए तो मैंने बोला है कि उसका जो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत अच्छा किया है। तो मान लीजिए गुप्कर की जो भी वहां इस वक्त वहां शासन करते होंगे तो ये नामुमकिन था। इसीलिए जो मनोज सिन्हा साहब को वहां रखने का, वहां भेजने का यही मकसद था कि जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जो बाकी हिंदुस्तान में है वो वहां लाया जाए, इसीलिए उनको वहां बिठाया गया। तो अमरनाथ यात्रा को भी कैंसिल किया क्योंकि अभी कंट्रोल करना है, इतने लोग वहां आएंगे तो फिर शायद स्प्रेड हो जाएगा, इसलिए बहुत लिमिटेड लोग वहां जा रहे हैं, जो पूजा पाठ करना है वो कर रहे हैं। तो जो भी है उसको कंट्रोल में लेके आ गया हो, ये बड़ी बात है। एक्चुअली वहां कुछ है जो 100% वैक्सीनेटेड भी है जम्मू कश्मीर में, तो ये जो बदलाव आया है इसको देखते हुए फिर पाकिस्तान के साथ भी थोड़ा बातचीत किए हैं। मतलब जितना लेवल पे वार्निंग देना था मेरे ख्याल से हिंदुस्तान ने उसको वार्निंग दिया है, आप कुछ और ऐसे हरकत कर बैठेंगे तो इस बार हम चुप बैठने वाले नहीं है। इस वार्निंग से देखते हुए आपने देखा है वहां से ये मतलब गड़बड़ करना थोड़ा कम हो गया है, ऑलमोस्ट ना कि बराबर है। फिर जो एलओसी के ऊपर जो सीज फायर हो गया वो भी एक उसका सिचुएशन है। आप देखिए कमर जावेद बाजवा का सिचुएशन आप देख ही रहे हो, उनको उनके ऊपर जो कू अटेम्प्ट हो रहे हैं अंदर, फिर हफीज साहिद के घर पे जो अटैक हुआ है, ये सब चीज, और अफगानिस्तान से अमेरिका जाने का, ये सब जो भी चीज है उनको फिर हिंदुस्तान के ऊपर एक एडिशनली प्रेशर आ गया तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसका मैशत तो पूरा बैठ गया है। तो चीन या कोई और मालिक ममालिक से उनको पैसा जब तक नहीं मिलेगी तब तक उनको खाना भी नसीब नहीं होगा, और उनका हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं है उनके आर्मी फौज के लिए, ये चल रहा है हेलीकॉप्टर उनका हाल। उड़ाने के लिए अब पेट्रोल के देखिए पैसे नहीं होंगे। रीजनल सिचुएशन तब्दील हो रही है। हमारे साथ गिरिधर मांझी जी थे जिन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें बताया और हमें समझाया कि कैसे दिल्ली बैठक जो है इसके अंदर किसी ने 370 की बात नहीं की। हाँ, बाहर आकर महबूबा मुफ्ती ने शायद अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए 370 370 का राग जरूर अलापा, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर्स थे जम्मू कश्मीर के, जैसे गुलाम नबी आजाद हैं और सज्जाद लोन साहब, लोगों ने जो है वो इसको बड़ा पॉजिटिव लिया है और अब जो है वो इलेक्शन डिलिमिटेशन और की बहाली की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नाजरीन, आज बहुत आप सबको दिल्ली बैठक की कामयाब मुबारकबाद देता हूं। डॉक्टर अमजद यूमर को इजाजत दे। जय हिंद।